इभिनिङ यति बेला हामी रौतहट जिल्लाको कथरिया नगरपालिका मेन बजारमा पहिले यहाँको दृश्यको बारेमा रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 पर्ने कथरिया नगरपालिकामा के कस्तो विकास भएको छ, के कस्तो ग्राउन्डको रियलिटी छ म त्यही देखाइरहेछु। त्यसमा ठुल्ठुलो कुरा हुन्छ कि विकासको कुरा हुन्छ, परिवर्तनको कुरा हुन्छ, तर ग्राउन्ड जिरोको रियालिटी के छ म त्यही देखाइरहेछु। यति बेला हामी कथरिया नगरपालिकाको मेन चौकमा यसको धन्यवाद। जसै पनि यहाँको ग्राउन्ड जिरोको रियालिटी म तपाईँलाई यहाँको सही नागरिक जयप्रकाश जी अपने बताऊँ जी के अपने के एरिया में क्षेत्र में विकास देखी ले दुकान का सामने पानी फैलने वाला है, थोड़ा ध्यान रखना नाला खाना रहा है भाई साहब से पानी क्या सब नाला खाना रहा है अभी नाला भी नाला खाना कहाँ से नाला खाना आ रहा था में नाला खाना उनसे नाला खाना या वही था मतलब समस्या के बारे में मान लो कोनो चीज पानी ओकरे निकले ला ये करेगा अपने इस समस्या का संग देखी बारे पहियों का संग लग रहा है सब निकले बा सब निकले कहीं डर लगता है बोले तो हाँ तो जोर न लगे पड़े तो कब कौन सा डर लगता जोर लगे तो लोभ से मारी अपने बने लगे यहाँ यहाँ के नेता सब बहुत बढ़िया बा नगरपालिका निमन बा यहाँ पर काम बढ़िया हो पर यहाँ नलू दिक्कत हो नजर काम यहाँ इतना शानदार होकर हद से हम जरा पर में जाइए जो रख दिए कोनो सुनवाई करबे करी नया युवा नम्बर विकास नयक मेयर के हिसाब में बतलाबे चाहिए पुरका मेयर तक कुछ कुछ कल बेचारा चल दिल अब मेयर बात तो देखते खतिया में पानी नहीं थे समस्या तो नगरपालिका लागू भेल वही से बुझू समस्या रोड तो बनल लख रोड आ फिर कोई नया पुराना ठेकेदार सब बनल आ फिर तक कहो खतिया हो गए तो लिया के धर दिल तक तक बोल रहा आ फिर पानी ला गया बा जाऊ में दिक्कत बा समस्या के सुनी चुनाव बात चुनाव में तो जीते तो फिर आई घर दिखा दी धन्यवाद अपने विचार नहीं हो हमारे उत्तराई मदद को विकास रतहट को कठरिया नगरपालिका को मेन चौक में मेन बाटो में छू यहाँ नाला रोड हम यही दिखाई रहे यह ग्राउंड जीरो को रियलिटी तब कस्त लगे अवश्य हमें कमेंट सुझाव करूँगा तब को लगी लवली स्टेप जय नेपाल।